इंडस्ट्री अपने मजदूरों से 4 मई से काम चालू करवाने का दबाव बना रही है, जिसका विरोध करते हुए मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। इस विरोध में जूट फैक्ट्री के बाहर करीब 2000 मजदूर इकट्ठा हो गए थे। मजदूरों का आरोप है कि इंडस्ट्री ने लॉकडाउन की अवधि में उन्हें न तो 2 महीने का वेतन दिया है और न ही खाने की व्यवस्था कराई है। इंडस्ट्री के मैनेजर राजीव दीक्षित का कहना है कि 22 मार्च के पहले जितना मजदूरों ने काम किया है उसका भुगतान उन्हें कर दिया गया है। हम लोग 36,000 जूट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 22 से 24 तारीख से लॉकडाउन जब हुआ है तो मार्च का भी पेमेंट हम लोगों को नहीं मिला। अब अप्रैल चालू हो गए हैं, अब अप्रैल में भी उसका कोई देख ही नहीं रहा है। मालिक बोल रहा है कि हम आपको पेमेंट नहीं कर पाते, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जब तक पैसा नहीं दोगे तो कंपनी कहाँ से चालू करेगी। हम लोग भूख मर रहे हैं, खाली पेट हम काम कर नहीं सकते। 22 तारीख से लॉकडाउन है, 23 तारीख से हम लोग काम पे जाते हैं, 7 तारीख को पेमेंट होता है। जितना दिन ड्यूटी किए उतना दिन तक का ही पेमेंट मिला है और बाकी 20 तारीख तक अभी पेमेंट नहीं मिला है।